गाइस, आज हम इस वीडियो में टूलिप पैंट कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये देखिए, टूलिप पैंट के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और 2 मीटर अस्तर के लिए लिया हुआ है। हमने कपड़े को इस तरह से खोल लिया हुआ है, इस तरह डबल फोल्ड है। अब इसको हम इस तरह से ट्रायंगल में बिछाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ट्रायंगल में इसको बिछा लिया है। अब हम यहाँ से ये कॉर्नर से हल्का सा इस तरह से, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो वी शेप में बन जाता है, हल्का सा नीचे से 1.5 इंच को ऊपर उठाएंगे और उसको ऐसे गोलाई में कट कर देंगे। इस तरह से इसको गोलाई में कट कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये वाले मटेरियल को हम स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं, एकदम इक्वल। हम इसे सेंटर में इसको इस तरह से बिछा देंगे। ये कटिंग वाले साइड में यहाँ पर इस तरह से इसको इस साइड फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम इसको जमा लेंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। जो हमारी ट्यूलिप पैंट है उसकी लेंथ है 37 इंच। हम इसकी लेंथ देखते हैं। इसकी लेंथ 35 इंच मिल रही है। इसकी लेंथ मैं 34 इंच रखूंगी और 4 इंच बेल्ट के लिए रखूंगी। 37 मिली। इस तरह से हम लेंथ की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम जो ये ऊपर वाली ट्यूलिप पैंट का जो ऊपर साइड है उसका यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 10 इंच आएगा टोटल, 20 उसका सेंटर पॉइंट। 10 इंच पे हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक फोल्ड हुआ है उसको भी इसी तरह से 10 इंच पे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हम इधर से आसन लेंगे। हम 4 इंच बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट 4 इंच बेल्ट का नाप छोड़ने के बाद हम यहाँ से इस तरह से 12 इंच पे आसन लेंगे। 4 इंच हमारी बेल्ट लगेगी। उसके बाद हम इस तरह से 12 इंच, टोटल 12 इंच पे हम आसन रखेंगे। इस तरह से हम आसन के लिए मार्क करेंगे और इस साइड 3 इंच मार्क करेंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और आसन का शेप दे देंगे। इस तरह से हम आसन की कटिंग कर देंगे। पैंट की बेल्ट देख लेते हैं, इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 16.5 इंच। 16.5 इंच ही हम बेल्ट की लेंथ रखेंगे। ये हमारा 4 टाई मटेरियल है और ये ऊपर भी हम 4 टाई मटेरियल लेंगे। इसकी लेंथ हम 6 इंच रखेंगे ताकि 2 इंच इसकी बेल्ट के अंदर मोड़ने में चले जाएगा। हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे इसलिए हमने 6 इंच ये लेंथ ली हुई है। इसी तरह से हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह हम बिछा के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी पैंट दिखेगी। ये देखिए हमारा आसन है और इस तरह से ये सिलने के बाद दिखेगी। अंदर वाली साइड है, ये जो हमारी अंदर साइड सिलाई दबेगी वहाँ से हम अपनी लेंथ के हिसाब से, देखिए ये अंदर सिलाई में आ जाएगी इसलिए हम जो लैस है उसको यहाँ से 9 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस लैस को लगाएंगे। इस तरह से इस लैस को लगाएंगे और घुमाते हुए इसको पूरा, ये जो फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड, ऊपर वाली साइड पूरा इसको स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको घुमाते हुए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इसी तरह से 9 इंच अंदर साइड दबाते हुए ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। ये हम पहले अस्तर में नहीं अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर इस तरह से मेन फैब्रिक पे ही अटैच करेंगे। अभी सिर्फ मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे पहले दोनों साइड। मैंने मेन फैब्रिक पे कितने अच्छे से ये लैस को हमने लगा लिया है, हाफ साइड से इस साइड से फुल लेंथ पे लगा लिया है। अब हम इसके बाद इसमें अस्तर अटैच करेंगे ताकि यहाँ वाली हमारी ये सिलाई ना दिखे। तो ये देखिए, हम इस तरह से अस्तर को ऊपर से अटैच करेंगे।
मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रख के अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। हम सिलाई बैक साइड से लगाएंगे ताकि जिस साइड हमने लैस लगाई है उसी ऊपर सिलाई आए। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने अस्तर लगाने के बाद उसको पलट दिया है बीच से, देखिए सिलाई नहीं दिख रही है। अस्तर लगाने के बाद स्टिचिंग अंदर चले गई है, ये लैस बाहर आ गई है। इस तरह से मैंने और दो पट्टी लैस को लगा लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब ये क्या है, हमारा यहाँ से ये वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ आसन की सिलाई लगानी है और आसन की सिलाई लगाने के बाद हमें ये वाला, आप जहाँ तक इसे बंद रखना चाहते हैं, मैंने ये लैस लगाई है यहाँ तक मैं इसे स्टिचिंग करके बंद करूँगी ऊपर वाले पार्ट को। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करके, इससे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको दोनों साइड, ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अटैच कर देंगे जहाँ तक हमने खुला रखना है। आसन की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये वाला भी यहाँ तक, जहाँ से हमारा ये लैस लगाई थी दूसरे पार्ट में, वहाँ तक ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ये हम लोग की बेल्ट, आप जितना इसको और फिटिंग बनाना चाहते हैं तो ये वाले पार्ट को और उतना ही अंदर मोड़ सकते हैं। मैंने इतना ही मोड़ा हुआ है इसे इतनी फिटिंग देने के लिए, और इसके ऊपर इलास्टिक आ जाएगी तो किसी भी साइज में आ सकता है। ये देखिए ऊपर से हम इस तरह से बेल्ट को अटैच कर देंगे इसके इक्वल, ये देखिए यहाँ से इसको अटैच कर देंगे सिलाई लगा के, और ऊपर में हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे लूज इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर हम इसको फोल्ड करने के बाद इसमें एक एक इंच की इलास्टिक डाल देंगे जिससे कि ये कमर के साइज का हो जाएगा। हमारी ट्यूलिप पैंट पूरी रेडी हो चुकी है, मैंने इसमें इलास्टिक भी डाल दिया है। देखिए किसी भी साइज में फ्री साइज है, देखिए आ जाएगी, और इस तरह से ये हमारी फाइनल फिनिशिंग है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ट्यूलिप पैंट रेडी हो चुकी है। देखिए इसके साथ की कुर्ती की वीडियो भी मैंने बनाई है लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए